जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी ये सबसे ज़्यादा करप्ट थी, जिसके कारण ये जो लॉज थे ये कभी इतने ज़्यादा इफेक्टिव हो ही नहीं पाए। जिस हमारे देश के कुछ नेता ऐसे थे जिन्हें शॉर्ट टर्म गेन्स काफ़ी प्यारे थे इन लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन को छोड़ के। हमारे ह्यूमंस की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि हमने अपना शहर छोड़ के जंगलों वाली साइड भी घर बनाना शुरू कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे इंडिया में आखिर क्यों टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और इसका पॉलिटिक्स के साथ क्या लिंक है। हम सबको पता है कि इंडिया में जो भी बड़ी चीज़ें आज तक हुई है उनका कुछ ना कुछ लिंक इंडियन पॉलिटिक्स के साथ रहा है, और इसी तरह टाइगर एक्सटिंक्शन का भी काफ़ी बड़ा लिंक है इंडियन पॉलिटिक्स के साथ। एक टाइम पर जिन टाइगर्स को हम सिंबल मानते थे स्ट्रेंथ और ब्यूटी का, आज वही टाइगर इंडिया से ही एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और साथ ही में एक पॉलिटिक्स ने काफ़ी क्योटिक सा रोल प्ले किया है इन टाइगर्स को एक्सटिंक्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक काफ़ी सिंपल सा रीज़न है, चाहे मैं कुछ परसेंटेज लोगों को ही इस वीडियो से जागरूक कर पाऊँ, मैं उस चीज़ की तरफ काम कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़े से भी लोग अगर इस वीडियो को देख के जागरूक होंगे तो एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं इस टाइगर कंजर्वेशन के प्रोग्राम की तरफ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइगर एक्सटिंक्शन के इस प्रेजेंट डे सिनेरियो को समझने से पहले हमें अपनी हिस्ट्री को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सालों से ही इंडिया जो है वो कर रहा है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ टाइगर्स का, फिर चाहे वो बंगाल टाइगर हो या फिर कोई हो, बट दूसरी तरफ तरह तरह के कारणों के कारण इनकी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा डिक्लाइन होती रही है, फिर चाहे वो हैबिटेट लॉस के कारण हो या फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कारण। अब इन सब कारणों के कारण पिछले कुछ सालों से टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही थी हमारे इंडिया में। इंडिया ने काफ़ी जल्दी समझ लिया था कि टाइगर कंजर्वेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, और जिसके तहत उन्होंने डिफरेंट सिग्निफिकेंट स्टेप्स भी लिए टाइगर कंजर्वेशन के लिए, जिसके अंदर उन्होंने 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया इन टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए, जिसके अंदर उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि वो एक सेफगार्ड प्रोवाइड करेंगे इन क्रिएटर्स को, जिसके तहत ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट टाइगर रिजर्व सेटअप किए गए ताकि इनका हैबिटेट जो है वो प्रिजर्व एंड सेव किया जाए, जिसके कारण डिफरेंट स्पीशीज जो टाइगर की थी वो सर्वाइव कर पाएंगी। और इस स्टेप को लिया गया था टाइगर्स की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। टाइगर कंजर्वेशन का ये जो प्रोग्राम था ये काफ़ी बड़ा सक्सेस साबित हुआ हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि आस्ता आस्ता टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो वापस इंक्रीज होना शुरू हो गई थी इस प्रोजेक्ट के बाद। बट दूसरी तरफ हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने टाइगर के जो हैबिटेट थे वहाँ पर एनरोचमेंट शुरू कर दी, और आस्ता आस्ता वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी, जिसके कारण कई बार ह्यूमंस का इंट्रैक्शन हो जाता था इन टाइगर्स के साथ और आगे चल के इन टाइगर्स को मार दिया जाता था, जिसके कारण इनका हैबिटेट तो लॉस हुआ बट इनकी पॉपुलेशन भी आस्ता आस्ता और ज़्यादा डिक्लाइन होना शुरू हो गई। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे ह्यूमंस की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि हमने अपना शहर छोड़ के जंगलों वाली साइड भी घर बनाना शुरू कर दिए थे। अब तक का जो सबसे बड़ा थ्रेट इन टाइगर्स को रहा है हमारी सोसाइटी में वो है पोचिंग और इलीगल ट्रेड। इंटरनेशनल मार्केट में टाइगर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड काफ़ी हाई है और इनके प्राइस भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं इन हंटर्स और पोचर्स को, और साथ ही में एक चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसमें टाइगर्स का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण इसका दाम इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी हाई है कंपेरेटिव टू बाकी जानवरों के, जिसके कारण जो पोचर्स जो हैं और हंटर्स जो हैं उन्हें एक वजह मिल जाती है इन्हें मारने के लिए, और इसके कारण वो रिलेंटलेसली इन टाइगर्स को हंट करते रहते हैं। टाइगर कंजर्वेशन के ये जो एफर्ट्स थे ना, ये पॉसिबल ही नहीं थे किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बिना, बट हमारे देश के कुछ नेता ऐसे थे जिन्हें शॉर्ट टर्म गेन्स काफ़ी प्यारे थे इन लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन को छोड़ के, जिसके कारण इन टाइगर एरियाज में एनरोचमेंट बढ़ती गई बाहर के लोगों की, और साथ ही में जो एंटी पोचिंग लॉस थे ना इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती गई इन पोचर्स को, जिसके कारण वो रिलेंटलेसली हंट करते रहे इन एनिमल्स को। टाइगर कंजर्वेशन के ये जो लॉस थे ये इसलिए इतने ज़्यादा वीक थे क्योंकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी ये सबसे ज़्यादा करप्ट थी, जिसके कारण ये जो लॉस थे ये कभी इतने ज़्यादा इफेक्टिव हो ही नहीं पाए, जिसके कारण पोचर्स और इलीगल ट्रेडर्स को टाइगर्स को हंट करने में कोई दिक्कत ही नहीं थी और उन्हें कोई डर भी नहीं था, जिसके कारण इन्होंने टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो और ज़्यादा रिस्क पर पहुंचा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया के कुछ डिपार्टमेंट्स करप्ट थे। बट जब ये वाली सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होते रही और इन टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन होती रही, तो आगे चल के एक्टिविस्ट या फिर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट एनजीओस और कुछ हमारे जागरूक नागरिक ने बढ़ चढ़कर मांग की हमारी गवर्नमेंट से कि और ज़्यादा कड़े एक्शन लिए जाए इन पोचर्स और इलीगल ट्रेडर्स के खिलाफ और इन लॉज को अच्छे से एनफोर्स कर दिया जाए, और साथ ही में पब्लिक अवेयरनेस ने भी एक काफ़ी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया इन टाइगर कंजर्वेशन एक्ट्स को कम्प्लीटली एनफोर्स करने
करने के लिए। और इसी कारण हमारी पब्लिक की तरफ से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब एक काफ़ी अच्छा प्रेशर बिल्ड किया गया गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट को एट द एंड एक डिसीजन लेना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने डिफरेंट अमेंडमेंट्स ऐड किए इन टाइगर कंजर्वेशन के लॉज में, ताकि कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएँ उन पोचर्स के खिलाफ जो टाइगर्स को हंट करते हैं। इन सब कड़े चैलेंजेस के बावजूद स्टिल एक छोटी सी होप है कि हमारे इंडिया में ये टाइगर्स सर्वाइव कर पाए, क्योंकि तरह तरह के एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो हैबिटेट रिस्टोरेशन के हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट के हो, या फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन के हो। ये जो एफर्ट्स है ये पक्का एक न एक दिन हमारे इंडिया में टाइगर्स को कंजर्व अच्छे से कर पाएंगे और साथ ही में एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर इन टाइगर्स के लिए हमारे इंडिया में ला पाएंगे। इस वीडियो के एंड में मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि टाइगर्स की जो कंजर्वेशन है वो सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन के ऊपर नहीं डिपेंड करती, बट इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कलेक्टिवली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए समझ पाते हैं या नहीं। इकट्ठे हम एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं जिसमें टाइगर्स हमारे साथ सर्वाइव करें और हमारी फ्यूचर जनरेशंस इन्हें चेरिश करें और समझे कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं अपने नेचुरल वर्ल्ड को। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड चलिए इकट्ठे एक अवेयरनेस फैलाते हैं इन टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए हमारी सोसाइटी में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और मैं वो एक चेंज बन सकते हैं जिसकी हमारे वर्ल्ड को ज़रूरत है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।